आपराधिक कानून हुन लागू होंगे। 1 जुलाई यानी कि आज तो असारे ही आपराधिक कानून लागू होंगे। आईपीसी इंडियन पीनल कोड दी था हुन लगेगी भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस दी तारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दी था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लगेगी। 1872 च बने इंडियन एविडेंस कोड दी था हुन भारतीय शाकसम अधिनियम 2023 लगेगा। एफआईआर दर्ज करन तो लेके फैसला सुनान तक दी समा सीमा तय की गई है। शिकायत मिलन ते पुलिस नु 3 दिनां दे अंदर एफआईआर दर्ज करनी होएगी। 10-0 एफआईआर 24 घंटे दे अंदर संबंधित थाने च ट्रांसफर की जाएगी। जांच में 180 दिनां तो वध पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट नु 14 दिनां दे अंदर ही मामले दा नोटिस लेना होएगा। सुनवाई दे 60 दिनां दे अंदर ही दोष तय करन दी व्यवस्था भी की गई है। रेप केस च मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनां दे अंदर देनी होएगी। आज तो देश का जो कानून है लॉ है वो बदल गया है। इंडियन पीनल कोड दी थां हुन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लगेगा। आईपीसी थां हुन भारतीय न्याय संहिता 2023 दी तारा लगेगी। काबिले गौर है कि इसे तरीके नाल आपराधिक न्याय प्रणाली विच वड्डियां तब्दीलियां ल्याएगा आ कानून। ते इंडियन जुडिशियल कोड इंडियन सिविल डिफेंस कोड अते इंडियन एविडेंस एक्ट क्रमरत ब्रिटिश युग दे इंडियन पीनल कोड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अते इंडियन एविडेंस कोड दी थां लैणगे। नवे कानून एक आधुनिक न्याय प्रणाली दी स्थापना करनगे जिस विच 0 एफआईआर पुलिस कोल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करन अते एसएमएस राही संबन भेजन वर्गियां सहूलतां होणगियां। नाल ही सारे घिनौने अपराधां दे अपराध सीन दी लाजमी वीडियोग्राफी वर्गे प्रबंध शामिल कीते जाणगे। अधिकारित सूत्रां ने दस्या है कि इन्हां कानूनां विच कुछ मौजूदा समाजिक हकीकतां ते अपराधां नाल नजिठण दी कोशिश भी की गई। देश दे विच हुण नवां फौजदारी कानून आ गया है। 163 साल पुराने कानून दी छुट्टी हो गई। अंग्रेजां दे जमाने तो चली आ रही आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड दी थां हुण 3 नवे कानूनां ने ले लई है। 1860 दे विच बने आईपीसी दी थां हुण भारत न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023, 1898 दे विच बने सीआरपीसी दी थां हुण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, 1872 च बने इंडियन एविडेंस कोड दी थां हुण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होया। 3 नए कानून बनन तो बाद कई बदलाव देखण नूं मिल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी दे तहत 511 धाराओं सी जो कि हुण भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस दे तहत 358 रह चुकिया। इहदे विच कई धाराओं जोड़िया गई ने। उस तो नाल नाल सीआरपीसी दी असी गल कर लिए, सीआरपीसी दे तहत 458 धारावां सी जो कि हुण 177 रह चुकी ने। इहदे विच 9 धारावां जिहड़ी हैगी है उहनां नूं हटाया गया ते 14 धारावां इहदे विच शामिल कीती गई ने। 2019 दे विच ही केंद्र सरकार ने 3 नवे कानूनां दा खाका तैयार कर लिया सी, पर लोकसभा पहुंचण च 4 साल लग गए। आखिर 21 दिसंबर 2023 नूं पार्लीमेंट दे वल्लों पास कीते गए कानूनां नूं 25 दिसंबर नूं राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दित्ती सी, जिस तों बाद हुण ब्रिटिश युग दे कानून पूरी तरह नाल बदल रहे ने। 1 जुलाई तों बदले कानून दे मुताबिक जिथे कतल दे लई पहला आईपीसी दी धारा 302 लगदी सी, हुण बीएनएस दी धारा 101 लगेगी। गैर इरादतन दे लई पहला आईपीसी दी धारा 304 लगदी सी, हुण बीएनएस दी धारा 103 दे तहत केस दर्ज होवेगा। लापरवाही दे नाल मौत दे लई पहला आईपीसी दी धारा 304A लगदी सी, हुण बीएनएस दी धारा 104 लग्या करेगी। कतल दी कोशिश दे लई पहला आईपीसी दी धारा 307 लगदी सी ते हुण बीएनएस दी धारा 107 लगेगी। जानबुझ के सट मारन दे मामले च पहला आईपीसी दी धारा 323 दे तहत परचा हुंदा सी, हुण बीएनएस दी धारा 113 क्लॉज 2 दे तहत परचा होवेगा। धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दे मामले च पहला 295A लगदी सी, हुण बीएनएस 297 लगेगी। रेप दे लई पहला 376 आईपीसी लगदी सी, हुण बीएनएस 64 लगेगी। गैंगरेप दे लई 376D लगदी सी, हुण 70 धारा लगेगी। अपराधिक साजिश रचण दे जेकर किसी दे उत्ते इल्जाम लगदे ने तां पहलां आईपीसी दी धारा 120B लगदी सी ते हुण 62 लग्या करेगी।
धोखाधड़ी के मामले च पहला आईपीसी की धारा 420 लगती सी ते हुण बीएनएस की धारा 318 लगेगी। उत्थी मानहानि दे केस दे विच पहला 499-500 धारा लगती सी ते हुण बीएनएस की धारा 354 दे तहत केस दर्ज होएगा। भारतीय न्याय संहिता दे नाल हुण पुलिस की जवाबदेही होर तय होगी। इत्थों तक कि दावा यह किया जा रहा है कि हुण अदालतों तो तरीकां ते तरीकां नहीं मिलणगियां। पहला पुलिस किसी भी शिकायत के उत्ते किसी समय भी कार्रवाई कर सकती सी, पर हुण नवे कानून के मुताबिक पुलिस नूं 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। 0 FIR 24 घंटे के अंदर संबंधित थाने च ट्रांसफर होगी। मैजिस्ट्रेट 14 दिन के अंदर मामले का नोटिस लेंगे। 90 दिन च पीड़ित नूं केस की जानकारी देनी होगी। नाबालग दे नाल जबर जनाह ते फांसी की सज़ा की तजवीज़ रख दी गई है। गैंगरेप मामले च 20 साल की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा होगी। हिट एंड रन केस दे विच 10 साल तक की सज़ा अदालत सुना सकेगी। उत्थी मौत की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच बदलिया जा सकता है। 3 कानून च बदलाव नूं लैके महिलावां बच्चियां वास्ते काफ़ी इहदे विच चीज़ां रखी गई ने। इह कानूनां दे तहत कई चीज़ां दा इहदे विच ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का इल्जाम ना पुलिस से लगे और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल और पूरे ऑनलाइन तरीके दे नाल सारी चीज़ां दा इन्वेस्टिगेशन होण। इस करके जिन्हें भी ऑफिसर्स होणगे एक पूरा उन्होंने गैजेट दिता जाएगा और इस तो अलावा पूरा मॉनिटरिंग सैल जरा बनाया जा रहा है पुलिस स्टेशन दे विच पूरे जिहड़ा हैगा गैजेट तैयार किया गया है, पूरा मॉनिटरिंग सैल तैयार किया गया। मकसद यही है कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल इन्वेस्टिगेशन की जाए। कानून सख्त है, जवाबदेही पहले नालों कितने ज्यादा नजर आती है, पर इंसाफ नूं लेके सवाल हाले भी बरकरार ने। चंडीगढ़ तो मनोज राठी दे नाल न्यूज डेस्क तो प्रकाश बुलारा, न्यूज 18 पंजाब। ते असी देश दे कानून दी गल कर रहे हैं। अज 1 जुलाई है ते अज तो बदल गया है देश दा कानून। देश ते नवे अपराधिक कानून अज तो लागू कर दिते गए ने ऑफिशियली। आईपीसी इंडियन पीनल कोड दी थां हुण लगेगी भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस दियां तमाम धारावां लागू होणगियां। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दी थां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हुण लगेगी। अगे वधांगे ते गल करांगे बगावत दी जो कि श्रोमणी अकाली दल च लगातार जारी है। अज श्री अकाल तख्त साहब जावेगा अकाली दल दा बागी तड़ा। अकाल तख्त साहब ते अरदास उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। सुखबीर सिंह बादल दी अगवाई हेठ होईयां गलतियां दी मुआफी बागी तड़े दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहब पहुंच के मंगी जाएगी। प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, परमिंदर सिंह ढींडसा, चरणजीत सिंह बराड़, बीबी जगीर कौर, गुरप्रताप सिंह वडाला, सुच्चा सिंह छोटेपुर भी नाल मौजूद रहेंगे। 25 तरीक न बागी तड़े दे वल्लों मीटिंग की गई थी कि बगावत का शरिया ऐलान किया गया, जो कि सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान चंडीगढ़ च मीटिंग कर रहे थे। तमाम जिला प्रधानों हलका इंचार्जा 2024 लोग सभा के नतीजा का मंथन उन्होंने वालों किया जा रहा है। पैरल ही जलंधर च बागी तड़े की 5 घंटे फार्म हाउस च मीटिंग चली। शरेआम बगावत उन्होंने वालों की गई, 3 मते पास किए गए थे। पहला मता कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को अस्तीफा देना चाहिए है। दूसरा मता पाया गया कि 1 जुलाई यानी कि आज के दिन